दोस्तों नमस्कार, डीएलएक्स न्यूज़ के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक के अंदर अकाउंट है, यानी कि स्टेट बैंक की पासबुक आप रखते हैं, आपका स्टेट बैंक के अंदर अकाउंट है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज और बड़ा फायदा इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाला है। दोस्तों यहां पर गूगल के अंदर भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं एसबीआई बैंक अकाउंट की खबरों को लेकर। 46 मिनट पहले मनी भास्कर की तरफ से भी अपडेट किया गया कि एसबीआई रिड्यूस्ड नॉन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्ज, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट न्यूज अभी मीडिया के अंदर चल रही है ट्रेंडिंग के अंदर, जो कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो भारत सरकार की तरफ से यानी कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के सभी ग्राहकों के लिए, तो आप इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, काफी कुछ बेनिफिशियल चीजें आपको जानने को मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं स्टेट बैंक की ओर से। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप डीएलएक्स न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया गया फटाफट से इस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास में आपको मिलेगा एक छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन, उसको भी दबा देना ताकि आप ऐसी काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डीएलएस न्यूज पर हर रोज आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट और ट्रेंडिंग वीडियो जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए डायरेक्टली एंड डायरेक्टली काफी कुछ हेल्पफुल होते हैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसे में आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरा जो टारगेट होता है हर बार आपको कोई उचित जानकारी देना, कोई लेटेस्ट न्यूज जो कि आपके डायरेक्टली एंड डायरेक्टली काम की हो आपके साथ शेयर करना, यही होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जिस भी वीडियो को देखें उसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। अब मैं आपके लिए कीमती टाइम वेस्ट न करके सीधा ले चलता हूं इस खबर की इन्फॉर्मेशन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले जानते रहते हैं डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन, तो आज का जो आपका माइंड क्विज क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बहुत ईजी लग रहा होगा लेकिन बहुत माइंडेड क्वेश्चन है कि किसी भी बैंक का एटीएम जो होता है उसका पासवर्ड मैक्सिमम कितने अंकों का होता है, यानी कि एटीएम का जो पासवर्ड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने अंकों का होता है। तो जल्दी से इसका आंसर जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालना, आपको सही जवाब देने वालों को मिलेगा डीएलएस न्यूज की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जो कि हम रेंडमली कमेंट बॉक्स में से सेलेक्ट करके उनको भेजेंगे। बात करते हैं आज के इस बड़े अपडेट की जो कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये मनी भास्कर की तरफ से मैं आपके लिए न्यूज शेयर कर रहा हूं। यहां देख सकते हैं दोस्तों आपके देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाली पेनल्टी में 75% तक की कमी की है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पहले जो हमारे भारतीय स्टेट बैंक के अंदर अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रहता तो उस पर हमें पेनल्टी या चार्ज देना पड़ता था, तो वो जो है वो बैलेंस की पेनल्टी रेट जो है वो 75% तक कम कर दिया। अगर 50% तक बैलेंस कम होने पर आपको पहले 30 रुपए लगते थे जहां पर आप 10 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे, और 50% से ज्यादा अगर 75% तक कम हो जाता तो उसके जगह पर आपको 12 रुपए चुकाने पड़ेंगे, और 75% से भी लेस मिनिमम बैलेंस होने पर 15 रुपए का चार्ज चुकाना पड़ेगा। तो ये हम सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे कि मिनिमम बैलेंस जो हमारे कम पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं अपडेट आपको मिल गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दिए, और डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस का जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।